you, auntie. Or you could say that you should phone cut to this. Thank you. Hi, Katin. कुछ नहीं यार ऑफिस में हूँ पूछ मत मसूर ने ना मेरा दिमाग का दही वड़ा बना दिया है और नहीं तो काम नहीं है पूरा दिन बस मैं मूवीज देखती रहती हूँ पगार भी नहीं दे रही यार टाइम से चार महीने हो गए मेरे को कॉलेज जाके सर्टिफिकेट लेने तक का टाइम नहीं है फ्रीलांसिंग का पैसे रहेंगे क्या उसमें हाँ यार सच्ची में अच्छा सुन मुझे तो नंबर फोन करती हूँ पानी दे रहा हूँ मुझे यहाँ पे ठंडा देखो ये क्या कर रही हो तुम मैम वो रेफरेंसिंग कर रही थी और ये YouTube क्यों खुला है साइड में YouTube क्यों खुला है और ये रेफरेंसिंग क्या होता है फर्स्ट पीपीटी का है मैम वो तो अपने रात को 10 बजे भेजा था दस बजे भेजा था मतलब 24/7 वर्क करना होता है ना ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है यहाँ पे काम करने का अच्छा एक काम करो वो जो डेयरी का लोगो था ना उसका लुक थोड़ा चेंज करना है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है सो उसका थोड़ा इंडियन फील दे दो और उसके कलर्स में थोड़ा चेंजेस करो सुन क्या रही हो डायरी पेन का है तुम्हारा पेन ले लाऊं घर से कहने को तुम लोग आर्किटेक्ट हो आता तुम्हें कुछ है नहीं नोट्स बनानी आती नहीं है बस आके एक्टर से मिलना है सेट पे और कुछ नहीं करना तुम लोग को एक काम करेंगे सुरभि के रूम में एक पियानो रखेंगे और उसके बेड के पीछे उसके डैड और उसकी फोटोज लगाएंगे और हर रूम में सिर्फ फोटो लगाना तो तुम सुनो सुन लो ना बात कर रही हो जब तुम दो टाकी निकलो अभी जितना भी जोन का फर्नीचर मिलता है उसकी फोटोज लेके आओ दो टाकी तीन टाकी पगार का तो कुछ तुम एक और काम करो जितना भी ये बजट बनाना है ना तुम्हें इस पूरे वेब सीरीज का उसमें मुझे हर चीज के लिए 3-3 वेंडर्स का बजट चाहिए अलग समझी तेरा बजट क्या है हर चीज का 3 वेंडर मतलब एक वेंडर है अगर तो उसका 3 वेंडर का बजट तीन 4 महीने से पगार नहीं दिए समझी ये सब आज रात को मेरे को 10 बजे तक मिल जाना चाहिए 10 बजे तक 10 बजे का तो खुद सो जा अब मैं जा रही हूँ मेरे को मीटिंग में जाना है ये सब आ जाना चाहिए मगर मीटिंग को बोल के जाके पार्टी जा रही है पगार का तो पूछ 4 महीने से पगार नहीं दिए देख निकल गई अब बीच बीच में कितना बोलते रहते हो अब बोलो अरे जाने दे यार कितना काम आप एक तो चुप करो अरे लैपटॉप क्यों बंद किया ये भूतिया बंदी बंद करो अरे क्या है इंटर्न है तू इंटर्न ये इंटर्न बजट कब से निकालने लग गया है ये सब काम कैसे करूँ अरे हो जाएगा काम ये सब काम में जबरदस्ती और मोड़ डालती पगार का पूछने बोला तो वो नहीं पूछने होता है पगार 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 पता है मुझे पगार नहीं मिला है घर पे घर वाले भी पीछे पड़े हैं यहाँ पे आप पीछे पड़े हो पता है मुझे अरे अपर्ना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से समझा कर मेरी बात को क्या एक्सपीरियंस है खुद तो पूरा दिन ऑफिस में लेटे रहते हो और मुझे बोलते हो सूत का काम छोड़ दो हाँ आपने 2 साल इधर काम करके क्या किया एक्सपीरियंस लिया और मर गए पर मैं तो इंडस्ट्री में नहीं हूँ ना मैंने सोचा था 5 साल आर्किटेक्चर करने के बाद पूरा अपना अटेंशन आर्ट डिपार्टमेंट में लाऊंगी यहाँ पे काम सीखूंगी रोज नए एक्सपीरियंसेस होंगे नए सेट्स लगाऊंगी संजय लीला भंसाली का सेट लगाऊंगी इनफैक्ट पद्मावत देख के मैंने रियलाइज किया कि मैं प्रोडक्शन डिजाइनिंग करूंगी और इसलिए मैं इधर आई थाने से इधर आ रही हूँ मैं और रोज कर रही हूँ रेफरेंसेस पीपीटी बना रही हूँ ये होता क्या है प्रोडक्शन डिजाइनिंग कि जिसका पूरा लाइफ पिंटरेस्ट पे डिपेंड करता है हाँ इसके मरे हुए आदमी की फोटो निकालो नहीं तो पुरानी तलवार की फोटो निकालो क्या होता है रेफरेंसिंग हिस्ट्री पढ़ो जाओ म्यूजियम में केस स्टडी करो पर नहीं मुझे तो लग रहा है पूरा आर्किटेक्चर मैं इधर आके मेरा वेस्ट करी इससे अच्छा तो मैं आर्किटेक्चर फर्म में थी अरे इतना भी बुरा नहीं है अपना आर्ट डिपार्टमेंट अच्छे लोगों के साथ काम करना अपनी बहुत बुरी है मैं देता हूँ ना कॉन्टेक्ट ले ना अच्छे लोगों के साथ काम कर तो क्या करूँ जॉब छोड़ दूँ फिर पैसों का क्या 4 महीने की मेहनत अरे अपर्णा
टेंशन मत ले, 40,000 ना मैं देता हूँ। आप तो भूत हो, आप कैसे दोगे पैसे? अरे देते हैं आजकल, भूत हो तो क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस है ना अपनी। अरे पैसे मुझसे तो मत सोच, करियर का सोच, यदा यदा ही धर्मस्य, निकल यहाँ से। I'm here to fill in the position for the intern.